आज आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो अनुदान और मांग प्रस्तुत किया गया है इसका मैं समर्थन करता हूं। और जिस प्रकार से पिछले बजट में आम बजट के साथ रेलवे बजट को भी समाहित किया गया है, इससे हमारे सम्मानीय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण स्पष्ट दिखता है। जो भी देश के हित में या जनता के हित में आवश्यक परंपरा है या जो पुरानी परंपरा जिसको बदलने लायक है उसको बदल करके नए युग का जो शुरुआत किया इसका मैं स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। महोदय, इसलिए भी कि यह जो रेलवे बजट जो प्रस्तुत हुआ था इसमें करीब 10,000 करोड़ बढ़ोतरी करते हुए 1,31,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। ये हमारी सरकार की स्पष्ट सोच है कि रेलवे क्षेत्र के हर प्रकार के से विकास हो। जिस प्रकार से बजट में एसएमएस के माध्यम से माई क्लीन कोच सर्विस की सुविधा के साथ साथ बायो टॉयलेट लगाने की जो व्यवस्था इस बजट में की गई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है स्वच्छ भारत अभियान, इस अभियान को इससे और बल मिलेगा। मैं आपको इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे बिलासपुर जो रेलवे जंक्शन है जो पूरे भारत देश में स्वच्छता के माध्यम मामले में तीसरे नंबर पर है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से जो हमारे रेलवे क्षेत्र में काम करने वाले सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को और जन सेवा करने वाले सभी सामाजिक संस्था के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और महोदय, जिस प्रकार से अभी हमारे पूर्व साथी ने बताया कि पिछले एनडीए की सरकार के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ ही साथ बिलासपुर को रेलवे जोन की जो उपहार दिया गया था जिसके कारण से रेलवे क्षेत्र में काफ़ी विस्तार भी हुआ है। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिलासपुर रेलवे जोन जो भारत देश में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जोन है, और इसलिए मेरा निवेदन होगा कि इस जोन के विस्तार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर के इस सरकार जो प्राथमिकता के साथ राशि दे रही है। आज छत्तीसगढ़ के रेलवे के विकास के लिए जो 350,000 करोड़ रुपया की जो राशि इस बजट में किया गया है उसके लिए भी मैं रेलवे मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उसका स्वागत करता हूं। महोदय, बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है, जहां पर हाई कोर्ट है, और इसलिए यहां अलग राज्य बन जाने के बाद दो मिनट में मैं अपनी बात पूरा कर लूंगा। अलॉटेड टाइम इज ओवर। जी, बिलासपुर जो है न्यायधानी होने के कारण अलग राज्य होने के बाद वहां हाई कोर्ट की स्थापना हुई है, और आज रेलवे के क्षेत्र में रेलवे जन हो जाने के कारण, चूंकि पूरे प्रदेश में एक ही ऐसा केंद्र बिंदु है रेलवे का जहां से रेलवे क्षेत्र के निराकरण के लिए एक बहुत ही जरूरी है कि रेलवे ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जाए, मैं इस बजट के माध्यम से मांग करता हूं। साथ ही बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज रेलवे के क्षेत्र में, चूंकि वहां बिलासपुर से देश के सभी भागों में रेलवे की आवाजाही है, इसलिए मेरा निवेदन है। साथ ही बिलासपुर सिटी बढ़ते जा रही है जिसके कारण से पुराने जो जंक्शन है उसमें दबाव ज़्यादा है, इसलिए बिलासपुर के पास ही उसलापुर जिसको बिलासपुर सिटी के नाम से स्टेशन को विकसित किया जाए, जयराम नगर, चक्रभाटा, बेलगहना, पिंडर रोड ऐसे स्टेशन है जहाँ हजारों की संख्या में यात्री यात्रा करते हैं, इसका विकास किया जाए। बिलासपुर से पूरी नई ट्रेन, बिलासपुर से इंदौर नई ट्रेन, बिलासपुर में मैं आपको बताना चाहूंगा नगर निगम क्षेत्र, एक मिनट महत्वपूर्ण विषय है सर, एक मिनट, नगर निगम बिलासपुर के द्वारा रेलवे जो क्षेत्र में अंडर सीवरेज के काम किया जा रहा है, परंतु रेलवे विभाग के द्वारा रोक लगाने के कारण जो महत्वपूर्ण योजना है जिसमें वहां पर निवासरत अधिकारियों को भी सुविधा का विस्तार होना है, इस पर रोक लगी हुई है। साथ में नई जो हमारी धमतरी और जो कांकेर है उसकी सर्वे का काम पूरा हो चुका है, उसको इस बजट के माध्यम से स्वीकृति देने की कृपा करें। इस प्रकार से मैं इस बजट मांग के समर्थन करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। धन्यवाद।